हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सीरियस टॉपिक से रिलेटेड। आप लोगों ने थंबनेल में जो पिक्चर आपके सामने थी उससे आप लोगों ने अंदाज़ा लगा ही दिया है। जो बात है वो बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं अभी की सिचुएशन के हिसाब से ये बहुत ही एक सीरियस मैटर बन चुका है। बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है मैं किससे रिलेटेड बात करने वाला हूँ, बट स्टिल जो नया जो चीज़ है वो आपके सामने मैं बताने वाला हूँ, एंड उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम अभी बन चुकी है। यस दोस्तों, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो स्टॉक मार्केट में मंदी ज़रूर आ सकती है, क्योंकि अगर आप लोग देखते पूरे इंटायर वर्ल्ड में कोरोना वायरस से रिलेटेड चीज़ें तो चल रही है, बट उसी के साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि मंदी की ओर और जा सकता है। जो डॉ हम लोगों को इतना ज़बरदस्त क्रैश होते हुए कंसिस्टेंटली देखने को मिल रहा है, आज के हम लोग अगर निफ्टी सेंसेस की भी बात करें 3 दिन हो गए कंसिस्टेंटली हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है, एंड छोटी मोटी गिरावट नहीं है, एंड ये गिरावट और भी गहरी हो सकती है जैसे कि ये न्यूज़ ये चीज़ें सामने आ रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं असली वजह आपके सामने रखने वाला हूँ। मेरा कोई भी मकसद नहीं है आप लोगों को मिसलीड करने का, बट जो चीज़ें सामने आ रही है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख दूंगा। अगर आपको ठीक लगे तो आप ज़रूर उन्हें कंसीडर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले फटाफट आप लोगों को कवर कर देता हूँ इंट्रोडक्शन के फॉर्म में। आज भी अगर हम लोग निफ्टी देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 119 पॉइंट की गिरावट, मतलब 1% की गिरावट हो चुकी है। लगभग निफ्टी अगर हम लोग बात करें 11,700 के नीचे अभी जा चुका है, एंड जो गिरावट है आप देख सकते हैं कैसे ऐसा लग रहा था कि सब मार्केट ठीक हो रहा है, बट सडनली ये गिरावट आप समझ सकते हैं कितनी तेज़ गिरावट हो जाती है, मार्केट में संभलने का मौका तक नहीं मिल जाता है। सो यस दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही अभी एक टेंशन वाली बात है, तो वही मैं चीज़ आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर हम लोग सेंसेक्स की भी बात करें तो यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है, मैं आपके सामने ओपन कर दूंगा सेंसेक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेंसेक्स में भी आज हम लोगों को लगभग 392 पॉइंट्स की गिरावट है। आप देख सकते हो नियर बाय 400 पॉइंट्स हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे 40,000 इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे टूट चुका है, एंड आप सभी लोगों को पता है कि ये जो लेवल्स टारगेट रहते हैं वो काम ज़रूर करते हैं, बट न्यूज़ एक ऐसी चीज़ होती है आपके सारे लेवल्स और टारगेट्स को क्या कर देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं। तो यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ये गहराई है, ये और भी जा सकती है, क्योंकि जो टेंशन वाला माहौल है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही है, एंड आगे भी ये चीज़ें कंटिन्यू क्यों रह सकती है। तो चलिए, ये तो बातें हम लोगों ने देख ली, अभी आ जाते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ NSE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, अगर आप यहाँ पर देखोगे ये है, मैंने ओपन किया है निफ्टी 50 के जो 50 शेयर्स है, अगर आप देखोगे सिर्फ गिन के, मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे बॉक्स करके बताना चाहता हूँ, इतना देखना कोई ज़रूरी नहीं है। गिन के 6 शेयर्स हम लोगों को हरे निशान में देखने को मिले, बाकी के अगर सारे के सारे शेयर्स अगर आप देखोगे रिमेनिंग 44 शेयर्स हम लोगों को लाल निशान में देखने को मिल रहे। बहुत सारे शेयर्स अगर आप देखोगे निफ्टी 50 की, अगर ये हालत है निफ्टी 50 में, इतने सारे शेयर्स आप लोगों को 52 वीक लो पे आते हुए देखने को मिल रहे, जिससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं और कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रख दूँगा। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे अगर हम लोग डो जोन्स को देख लेते हैं, सो कल भी हम लोगों को यहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंट गिरावट देखने को मिली, नियर बाय 900 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट्स ही राउंडेड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट है, 3% से ज़्यादा की गिरावट। एंड अगर आप लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी देखोगे 5 दिन से अगर हम लोग देखेंगे कंसिस्टेंटली ये गिरावट होती ही चली जा रही है, एंड एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि ये गिरावट और भी गहरी हो सकती है। एंड आप सभी लोगों को पता है ये स्टॉक मार्केट जो रहते हैं इंटायरली ये खुद के ऊपर काम नहीं करते, मतलब ये सारे स्टॉक मार्केट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक ज़रूर होते हैं। सो हम लोग कह सकते हैं ये जो प्रेशर है हम लोगों को इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। सो आज भी अगर हम लोगों को देखने को मिला कि डो यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस करता है, अगर यहाँ पे गिरावट हो जाती है, एंड अगर वो गिरावट बहुत ही तेज़ रहेगी, अगर सिमिलर लाइक 800 पॉइंट 1000 पॉइंट, तो हम लोग कह सकते हैं स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन वाला पीरियड शुरू हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, बट अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि पूरे वर्ल्ड को सता रही है, इंडियन मार्केट को भी बहुत बड़े टेंशन में, सारे लोग इन्वेस्टर इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मेरी जो टीम है सारी चीज़ों को एक ही टेंशन की बात है, एंड वो टेंशन क्या है वो मैं आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ। देखिए, जो न्यूज़ है वो कोई नई न्यूज़ नहीं है, बट वो एक डिफरेंट चीज़ मैं आपके सामने ज़रूर पेश करूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड। अगर आप लोगों को यह लगता है कि कोरोना वायरस से रिलेटेड वही पुरानी बात, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसीलिए ये बहुत ही एक गंभीर बात है जो आप लोग अंदाज़ा लगा दोगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बता दूंगा, उससे आप यहाँ पे सीख सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे चीज़ देख सकते हैं, द वर्ल्ड इकोनॉमी विल श्रिंक इफ़ द कोरोना वायरस आउटब्रेक इजंट कंटेन, मतलब अगर जो कोरोना वायरस को यहाँ पर रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया में हम लोगों को ये
देखने को मिल सकता है, कोरोना वायरस स्प्रेड हो सकता है, एंड अगर ऐसा हो गया तो इंटायर इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। सिर्फ इंडियन नहीं, पूरा ग्लोबल भी इकोनॉमी हम लोगों को गिरते हुए देखने को मिल सकती है। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले प्रॉब्लम मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक बहुत ही इजी एग्जांपल दूंगा कि चाइना, आप सभी लोगों को पता है ये शुरुआत चाइना से हुआ है। चाइना में अगर हम लोग देखते पेशेंट की संख्या तो अभी मुझे लगता है कि लाख के अप्रोक्सीमेटली चला ही जाएगा, 1 लाख के आसपास हो ही जाएगा। डेथ की भी संख्या बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, 2000 तो ऑलरेडी हो चुके, नए नंबर्स आते ही जा रहे, तो उससे हम लोग अपडेट समझ ही आ रहे हैं। सो चाइना से ये शुरुआत हो चुका था, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इकोनॉमी किसी की हर्ट हुई है तो चाइना की हुई है। एंड चाइना कोई छोटा मोटा देश नहीं है कि चलो हो जाए, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इंडियन मार्केट भी चाइना से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आप सभी लोगों को पता है जो जो कंपनीज चाइना से रिलेटेड उनका काम होता है, लेदर कंपनी है यूजुअली, उनका रॉ मटेरियल चाइना से आता है। तो हम लोगों को पता है कि जो जो कंपनी चाइना से जुड़ी हुई थी उनके स्टॉक्स में हम लोगों को जोरदार गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स आप देख सकते हो, क्यों टाटा मोटर्स यहाँ पे नीचे आ रहा है। टाटा मोटर्स के अगर आप नंबर देखोगे, क्या शानदार नंबर्स टाटा मोटर्स ने पेश किए थे, रिकवरी दिखाई थी, बट कोई फायदा नहीं रिकवरी का, क्योंकि आप देख सकते हो चाइना में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके वजह से वो स्टॉक अभी नीचे आ चुका है। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, ये चाइना तक ही सीमित था, ठीक है। तो चाइना से रिलेटेड जितने भी कंपनीज थी वो परेशान थी, बट अभी प्रॉब्लम हो चुका है ये ग्लोबली जा चुका है। सो ग्लोबली भी अगर ये जाता है तो कुछ कुछ कंट्री में गया तो ठीक है, बट अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते तो कौन सी कंट्रीज़ में गया है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सबसे पहली बात यहाँ पे वो यूरोप में भी हम लोगों को इटली में देखने को मिला है, तो चलिए ये भी ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों उससे ऊपर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये क्यों नेशनल थ्रेट, ये क्यों ग्लोबल इकोनॉमी को हार्म कर सकता है, क्यों मंदी की ओर लेके जा सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस ये स्प्रेड हो चुका है मिडल ईस्ट में। यस दोस्तों, मिडल ईस्ट एंड बियॉन्ड। अभी मिडल ईस्ट की मैं बात करूँ तो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये सारी कंट्रियाँ आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये मिडल ईस्ट में ही आती है, एंड शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे ईरान से रिलेटेड। यस दोस्तों, ईरान, अगर उसी के साइड में आप देख सकते हो इराक भी है, इसराइल, बहुत सारी कंट्री, यूएई है, सऊदी अरबी है, ये सारी कंट्रीज़ अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोगों को ईरान में कोरोना वायरस से रिलेटेड चीज़ें देखने को शुरू हो चुकी है। अभी आप बोलोगे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है दोस्तों, आप सभी लोगों को बताएं कि यहाँ से हम लोगों को चीज़ें देखने को मिलती है क्रूड ऑयल से रिलेटेड। यस दोस्तों, क्रूड ऑयल ये सबसे इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, हर एक चीज़ में हम लोगों को ये क्रूड ऑयल, अगर आप देखते हो तो हर एक कंपनी का बिजनेस रहता है उसमें डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली क्रूड ऑयल ज़रूर इन्वॉल्व रहता है। एंड यही प्रॉब्लम है, अगर आप देखते हो चाइना में बहुत सारी चीज़ें जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चाइना में किया जाता था वो क्या हो चुका है, बंद किया गया है, जहाँ पे कोरोना वायरस का थ्रेड ज़्यादा है। एंड यही ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा थ्रेड बन चुका है। अगर मिडिल ईस्ट में ये जब अगर कोरोना वायरस ज़्यादा फैल जाता है, बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो अगर यहाँ से क्रूड ऑयल का अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाकी जगह पे हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट होती है ऑयल की, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो लार्जेस्ट थर्ड कंट्री है चाइना के बाद, हम लोग आते कि इतनी बड़ी कंट्री है जो कि ऑयल हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, तो आप समझ सकते हो अगर ये मिडल ईस्ट में अगर फैलना शुरू हो गया सो डेफिनेटली यहाँ से भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की चीज़ें बंद करनी पड़ सकती है, बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कहना है। एंड इसीलिए हम लोगों को ये पूरे मार्केट में जो ग्लोबली मार्केट है वो एक सबसे बड़ा थ्रेट है। मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता, ये अभी तक इतना नहीं फैला है मिडल ईस्ट में, बट यस इसी चीज़ को लेके डर के मारे सभी लोग अभी तक यहाँ पे बैठ चुके हैं कि यहाँ पे ये किसी तरह से रोक देना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग पता है जो मेन ऑयल का सप्लाई होता है वो मिडल ईस्ट से ही होता है। एंड अगर यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल ज़्यादा फैल जाता है सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रहेगा, कौन सी कंट्री यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेगी जहाँ पे कोरोना वायरस से रिलेटेड इतनी चीज़ें अफेक्टेड रहेगी, एंड ये सबसे ज़्यादा थ्रेट बन चुका है दोस्तों। एंड इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट का यही कहना है कि अगर कोरोना वायरस ऐसे ही फैलता रहा एंड अगर वो मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा फैल जाता है तो ये बहुत ही बड़ी एक थ्रेट वाली चीज़ रहेगी। एंड इसी के वजह से हम लोगों को जो मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है वो ये इसका कारण बन चुका है। सो दोस्तों, अभी आप इस वेबसाइट के ऊपर इजीली चीज़ें ये पढ़ सकते हैं कि कोरोना वायरस ये जो स्प्रेड हो रहा है वो मिडल ईस्ट एंड बियॉन्ड हम लोगों को चीज़ों में देखने को मिल रहा है। अगर यही चीज़ अगर आप देखोगे कंट्रीज़ कौन कौन सी आती है, सो मिडल ईस्ट हो चुका है, उसी के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज़ एंड उनके अदर भी पार्ट्स, अगर हम लोग ग्लोबली कुछ चीज़ें देखें, चाइना तो है आप सभी लोगों को पता है, तो बहुत ही ये हम लोगों को स्प्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी जैसे मैंने कहा कि मिडल ईस्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि ग्लोबली अगर हम लोग बात करें एटलीस्ट 80,000 पीपल हैव बीन डायग्नोसेड विद द इलनेस। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी देखना पड़ेगा अभी यहाँ पे क्या हो रहा है। उसी के साथ साथ मोर डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड इन ईरान इटली, वाइल द साउथ कोरिया ऑन अ वेनसडे सेड दैट 11th पर्सन हैड डाइड ऑफ द
दिस इज देयर। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड आज के दिन का ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं वेनसडे 26 फरवरी। सबसे पहली बात अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ग्रीस में अगर हम लोग कहते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट कोरोना केसेस यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। ग्रीस कंट्री आप सभी लोगों को पता है, वहाँ पे भी देखने को मिला है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग और थोड़ा आगे जाते हैं तो सबसे पहले अगर आपको देखोगे जो बहुत ही बड़ा बात है, आप सभी लोगों को पता है कि ईरान, ये मिडल ईस्ट कंट्री है, आप सभी लोगों को पता है ईरान रिपोर्ट्स 19 न्यू डेथ्स। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं तो जो नंबर है टोटल यहाँ पे कंफर्म हो चुका है 139। सो ये बहुत ही बड़ा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग और थोड़ा आगे जाएंगे तो आप कुवैत भी देख सकते हो, उसी के साथ आते हैं, कुवैत सेज 6 मोर कोरोना वायरस केसेस कन्फर्म टिल नाउ। एंड यही चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा थ्रेट बन चुकी है। अगर ये मिडिल ईस्ट में ऐसे ही फैलता चला जाएगा, एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग कहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी देखने को मिला है, आप देख सकते हो फ्रांस में भी ये सारी चीज़ें सामने आ रही। फ्रांस रिपोर्ट अ फर्स्ट फ्रेंच नेशनल डेथ। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसके वजह से हम लोग कह सकते हैं ये जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ही नीचे आ सकता है। अगर प्रेजेंट अगर हम लोग क्रूड की ऑयल की बात करें तो वो $50 के आसपास ही हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे जो डिमांड है वो बहुत ही अभी घट चुका है, आप सभी लोगों को पता है। एंड एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि $40 तक यहाँ पे क्रूड ऑयल का जो बैरियर रहता है वो इतना नीचे आ सकता है। एंड अगर ये मिडल ईस्ट में फैल जाता है एंड वहाँ से अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोक लगाई जाती है, अगर ऐसा हो जाता है बहुत ही ज़्यादा पैमाने के ऊपर, तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी पूरे ग्लोबली इकोनॉमी के लिए। एंड उसी के साथ साथ इम्पैक्ट तो फिर सारी वर्ल्ड अगर इम्पैक्ट हो जाएगी तो इंडिया भी इसमें से नहीं छूटने वाला है। एंड यही प्रॉब्लम यहाँ पे बन चुका है दोस्तों, जो कि हम लोग कह सकते हैं कंसिस्टेंटली गिरावट। एंड आज भी देखना है क्या अमेरिकन मार्केट में क्या आज भी गिरावट होती है, क्योंकि ये सारा डेटा हम लोग कह सकते हैं एक बहुत ही चिंता वाला डेटा है, जिसके ऊपर कोई भी हम लोग टेक्निकल्स नहीं कर सकते ना फंडामेंटल कर सकते। ये न्यूज़ के ऊपर डिपेंड है कि इस चीज़ को जितने जल्दी हो सके रोका जाए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि एक मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाएगी। सो दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि इसके बाद के जो वीडियोस रहेंगी यूजुअली मैं इसी टॉपिक के ऊपर बना दूंगी कि कौन से स्टॉक अगर हम लोग कोरोना वायरस से रिलेटेड कहें कि ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हो सकते। ज़्यादा अफेक्टेड इसलिए मैंने कहा है क्योंकि गिरने वाले तो सभी, अगर मार्केट गिरेगा तो कोई भी नहीं बचेगा, चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो। सो कौन से कंपैरेटिवली हम लोग कह सकते हैं इनके ऊपर इफेक्ट कम रहेगा। एंड उसी के साथ साथ और एक वीडियो ऐसा भी बना दूंगा कि कौन से स्टॉक के ऊपर हम लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। सो फिलहाल यही कहना चाहूँगा, आप लोगों ने देख लिया कि क्यों यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक मंदी की ओर जाने की चांसेस ज़्यादा है। एंड ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे एक्सपर्ट ने कहा है, रीज़न आपके सामने रख दिया कि ग्लोबली तो ये स्प्रेड हो चुका है, यूरोप में भी आ चुका है एंड मिडल ईस्ट में भी अगर ये ज़्यादा फैल जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत और भी हो सकती है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।